नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले एक वर्ष में कोरोना चुनौती को आईटी के माध्यम से अवसर में बदलकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री आज हिसार में विनानन हब से दूसरे चरण के तहत रनवे विस्तार के लिए भूमि पूजन करने व एक वर्ष की उपलब्धियों का अपना संदेश देने के बाद यहाँ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने पिछले एक वर्ष में कई नए निर्णय लिए हैं, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, विदेश सहयोग विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग तथा एमएसएमई विभागों का गठन आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 60 लाख परिवारों की पहचान की गई है, जिनमें से 14 परिवारों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग की सेवाओं का लाभ इसके तहत दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट में गांव के लोगों की राय लेकर जनता की सहभागिता बढ़ाकर बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को छत मुहैया कराने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया गया है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या फिर किसी अन्य योजना के। उन्होंने कहा कि गाड़िया लोहार जैसे घुमंत जाति के 25,000 परिवार की पहचान की है और उनके स्थायी आवास के लिए योजना बनाई जा रही है और अब वे लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली विभाग में किए गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश में 68,000 सभी गांवों में से 4,755 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति म्यारा गांव जगमग गांव योजना के तहत की जा रही है। इसी प्रकार लाइन लॉसेस जो पहले 30% से घटकर 17% पर आ गया है और ऊर्जा के तहत 50,000 सोलर पंप लगाने के लिए 1,700 करोड़ रुपए की योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बताया। पिछले एक वर्ष में लड़कियों के लिए 15 नए सरकारी कॉलेज खोले गए तथा पिछले 6 वर्षों में 67 सरकारी कॉलेज खोले गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है और 931 नए डॉक्टरों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लेटफॉर्म प्लेट धारकों को इनहांसमेंट न देना पड़े, इसके लिए योजना बनाई गई थी। पहले चरण में 20,000 प्लॉट धारकों ने इनका लाभ लिया, अब भी 17,000 प्लॉट धारक बाकी हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट। सी करनाल यमुनानगर, ये नई रेलवे लाइन, इसका MOR उसको हमने दिया है ताकि उसका जल्दी से उसका DPR बना करके हमको दें। जैसा एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक की बनी है, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर कई फाटक हैं, वहाँ भी तो सब फाटक के ऊपर एक एलिवेटेड रोड ये बनेगा ताकि वहाँ भी सुविधा हो जाए। कोरोना की सारी उपलब्धियाँ पहले बताई जा चुकी हैं। हमने 1200 करोड़ रुपया इसके लिए गरीबों की मदद के लिए रखा था, उनके खातों में सीधा भी भेजा है और राशन जो है मुफ्त में 154 करोड़ रुपये का 27 लाख परिवारों को गया। केंद्र की सहायता ही हमको मिली, अभी चल भी रहा है, नवंबर तक वो चलेगा। मजदूरों को उनके राहत शिविरों में जो 91,000 मजदूरों के उनकी व्यवस्था की, उनको घरों में भेजने के लिए लगभग 100 रेलवे ट्रेन और 5500 बसों का ये हमने उपयोग किया और 13 करोड़ रुपए का इस पर हमारा खर्च आया है। जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन, ये भी हरियाणा में हमने शुरू किया। सब प्रदेशों ने इसको बहुत सराहा है लेकिन वो बना नहीं पाए कहीं भी। हमने ऐसे सब लोगों के जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे किसी भी प्रदेश का था, उसके अलग से DTR बना करके ऑनलाइन करके उनको सबको राशन जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति ये हमने दिया। 5 प्लाज्मा बैंक भी बनाए गए हैं, जो लोग जिनकी बॉडी क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज वो बन गई हैं प्लाज्मा, वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे डोनेशन के लिए 5 प्लाज्मा बैंक भी हमने बनाए हैं। 954 नए डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स इनको इस समय में भर्ती किया गया है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसमें सबसे पहला स्थान पाया है। हालांकि हम इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी एनीमिया की डेफिशिएंसी ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके हमारे नूह जिले में, लेकिन इस अभियान में अगर सारे प्रदेशों की तुलना की है तो जो भी एजेंसी है उन्होंने भारत हरियाणा को उसने प्रथम स्थान दिया है। हम इस पर और तेजी से काम करेंगे। अंत्योदय सरल परियोजना जो हमने लागू की, इसको भी गोल्ड अवार्ड मिला है कि जो
गांव-गांव में, शहरों में अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र इन्होंने बनाए, ई दिशा केंद्र बनाए, ताकि किसी को भी जो 565 योजनाएं हैं इसका लाभ, पहले जो लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे, चंडीगढ़ तक भी पहुंचते थे, आधा पैसा उनको मिलता था, आधा बीच में खाने वाला खा जाता था, अब वो डायरेक्ट अपना फार्म भरें और फार्म की सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद पैसा सीधा उनके बैंक में जाता है। मित्रों, कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि इसमें बिंदु 147 है, लेकिन मोटे मोटे मैंने इसलिए रखे कि समय की भी मर्यादा है, और आपके माध्यम से भी इतना अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान में फिर वही जो कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें।